श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा, आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म तथा ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। हम बात कर रहे हैं आपके वैवाहिक जीवन में कैसे बंधा जाए, वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाए और वैवाहिक जीवन को कैसे उत्तम बनाया जाए। तो वो राशि है कुंभ। कुंभ राशि वाले जातक इसको कैसे करें जिससे कि उनके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएं, उनका विवाह शीघ्र शीघ्र हो जाए। देखिए, कुंभ राशि वाले जातक को सर्वप्रथम आपको एक काम करना होगा, शनिवार के संध्या में पीपल वृक्ष के नीचे जाकर दीप अर्पित करनी पड़ेगी। पीपल वृक्ष के चारों तरफ आपको रक्षा सूत्र को लेकर घूमना है 3 बार और मंत्र पढ़ना है, अस्वस्थ उद्भुत भाव गोविंद सदा प्रिया अशेखं घर में पापम वृक्षराज नमोस्तुते। ओम अस्वस्थ उद्भुत भाव गोविंद सदा प्रिया अशेखं घर में पापम वृक्षराज नमोस्तुते। हे अस्वस्थ, हे वृक्षराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको सहस्त्र कोटि प्रणाम। हमारे जितने भी पाप अपराध हैं जिससे हमारी वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो सारे अपराध को क्षमा कर दो और पीपल वृक्ष के नीचे आपको समय बिताना है। साथ ही साथ पीपल वृक्ष में आपको नीला फूल पुष्प मिल जाए कहीं से तो बहुत उत्तम, सिंदूर और पुष्प लगाकर अर्पित करना है वहां। और जब आप नीला पुष्प वहां अर्पित करेंगे तो आप उस समय नारायण को, लक्ष्मी नारायण को ध्यान करेंगे और वह पुष्प अर्पित करते समय यह अंदर से भाव रखेंगे कि आप उस वृक्ष के जो तमाम पत्र हैं, उन पत्रों के पत्ते जो हैं वृक्ष के, उन पत्ते के ऊपर यह पुष्प अर्पित कर रहे हो, ऐसा आपको करना है। साथ ही साथ उस वृक्ष में 5 बार अपनी अनामिका से 5 बार सिंदूर लगाना है और एक हल्दी का गांठ उस वृक्ष में बांधना है और एक हल्दी का गांठ अपने बाजू में बांधना है, बाजू या कमर। महिलाएं बाएं हाथ के बाजू में बांधेंगे और पुरुष दाहिने हाथ के बाजू में उसे बांधेंगे। लक्ष्मी नारायण का ध्यान भी करेंगे, परंतु यह कार्यक्रम आपको संध्या काल में करना है जब सूर्यास्त हो चुका हो, सूर्य का अस्त हो चुका हो, या फिर प्रातःकालीन जब सूर्योदय नहीं हो रखा हो, सूर्योदय से कुछ ही समय पहले। जी हां, उस समय कर सकते हैं या उस समय कर सकते हैं, दो ही समय आपके पास है। और वो जो हल्दी का गांठ आप बांधे हैं उसको 15 दिन या 1 महीने में, जब उसे 15 दिन अधिकतम 1 महीने में बदलना है, उस गांठ को फिर उसी पीपल वृक्ष के नीचे डाल देना है, जमीन के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे जो जमीन उसको करके उसके नीचे डाल देना है और दूसरा हल्दी का गांठ आपको फिर वहां बांधना है और एक हल्दी का गांठ फिर उस पीपल वृक्ष में बांधना है। ऐसी प्रक्रिया आप पूरे 1 साल करें। 1 साल करने के बाद देखेंगे कुंभ राशि वाले जातकों को इसका 100% परिणाम मिला है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते, नमस्कार।